भोपाल में अपार सिटी एवं रीगल जोन ने भव्य आवास मेला का आयोजन किया। आवास मेले में बड़ी संख्या में आए लोगों ने सिंगलेक्स और डुप्लेक्स घरों की बुकिंग कराई। इस दौरान बुकिंग कराने वाले ग्राहकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी का भी लाभ दिया गया। भोपाल के विदिशा रोड पर अपार एवं रीगल जोन ने 3 दिवसीय भव्य आवास मेले का आयोजन किया। 5 एकड़ से बने इस क्लोज्ड कैंपस में सिंगलेक्स और डुप्लेक्स मकानों को ग्राहकों ने बेहद पसंद किया। घर खरीदने आए ग्राहकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी का लाभ भी दिया गया। आवास मेले के आयोजक और MD अरुण मीणा ने बताया कि वे ग्राहकों को विदिशा रोड की इस प्राइम लोकेशन पर कम बजट में घर उपलब्ध करा रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि लोगों को कम बजट में अधिक सुविधायुक्त और अच्छी गुणवत्ता वाले घर दे सकें। उसी के तहत ये घर बनाए गए हैं। कैंपस में बनाए गए घर सभी मानकों को पूर्ण करते हैं। घरों की कीमत सभी लोगों को ध्यान में रखकर की गई है। क्लोज कैंपस में मार्केट डेवलप किया जाएगा, जिससे यहां रहने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही कैंपस के अंदर जिम, पार्क और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। बिल्डर ने बताया कि हर बुकिंग पर एक 2-व्हीलर गाड़ी भी दी जाएगी और यह ऑफर 1 सप्ताह तक चलेगा। जो भी ग्राहक इस दौरान बुकिंग कराता है उसको यह लाभ दिया जाएगा। अपार सिटी जो कि मेन रेलवे स्टेशन से मात्र 8 किलोमीटर दूर है, न्यू रिंग रोड चौराहे पर लगे हुए। यहाँ पर हम सिंगलेक्स एंड डुप्लेक्स बना रहे हैं जो कि पूरा अप्रूव्ड है, रे रजिस्टर्ड है। हम सिंगलेक्स जो बना रहे हैं 1 BHK एंड 2 BHK, डुप्लेक्स 3 BHK एंड 4 BHK बना रहे हैं हम, जो कि मतलब अच्छे दामों में हम दे रहे हैं। स्टार्टिंग प्राइस सिंगलेक्स की 17,99,000 रुपये, एक 2 BHK रहेगा। एयरपोर्ट की दूरी मात्र 8 से 9 किलोमीटर दूर है, बस स्टैंड 7 से 8 किलोमीटर है, बाकी जो मार्केट वगैरह लगा हुआ है 3 से 4 किलोमीटर लगा हुआ है। बाकी हमारा जो प्रोजेक्ट है SBI से अप्रूव्ड है, बैंक ऑफ बड़ौदा से अप्रूव्ड है। बाकी हम इस पर प्रधानमंत्री द्वारा जो सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है वो इसमें मतलब कई कस्टमर को अभी मिल चुकी है और हमने कई कस्टमरों को यहाँ पे पैसे भी दे चुके हैं। वर्तमान में अभी अगर मकान सिंगल डुप्लेक्स बुक करते हो तो पर मकान पे हम एक्टिवा ऑफर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।